उस पड़ी है भाई। खूब ठंडा है। लेकिन बुद्धि ग्रह में कुछ भी कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग, फटाफट चलते हैं भाग के। लेट्स फक द होल यूनिवर्स बेबी। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं व्लॉग। देखा है आपने, भागते हुए हांफते हुए। वाह, मुक्त हो गए हम दुनिया से। क्या चमक रहा है यार, देखो भाई चारों तरफ। फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ। हौले हौले शाहजीना, धीरे धीरे शाहजीना। लीलापू Die young. ठंडों में ठंडे पानी से नहाने का जो मजा है ना भाई, और किसी काम में नहीं है। बुढ़े बुढ़ियाओं की संगति में रहोगे। कुछ कुछ लोग थाईलैंड पर डिपेंड हो गए हैं भाई। कैसे मर्द हो यार, ये तुम पे कलंक है भाई। जो जो लोग थाईलैंड पर डिपेंड है ना, तुम साले मतलब इतने बड़े भारत में एक प्रेमिका नहीं बना सकते, तो तुम मर्द होने पर कलंक हो यार। एक्सपीरियंस लेना अलग चीज है, समझ रहे हो। और तुमको लगता है कि पैसा है तुम्हारे पास, पैसा तो कंटा नहीं है तुम्हारे पास। ये उधर से 3 मिनट में पहुंच गया बैंक, 3 मिनट में पहुंच गया। आज सुप्रभातम। बहुत ठंडा है, लेकिन जो मज़ा है ना भाई, वो इस ठंड में ही है। ब्लॉगिंग करने का भी, घूमने का भी। दिन में मज़ा नहीं है यार। चलते हैं फटाफट ऊपर की तरफ को। ओम नमः शिवाय। डॉगी डॉगी, इससे मतलब नहीं रखते। सीआर जैसा डॉगी है यार ये, भोजपुरी का। ये पसंद नहीं है बहन के लोड़े जन्मत छपड़े, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जंगल में कांड हो गया, भेड़िया हूँ मैं भाई। यहाँ तो क्रिकेट मैच चल रहा है यार फील्ड में भाई। जर्मन शेफर्ड ही जर्मन शेफर्ड भर गए हैं बैंक चो, और कोई प्रजाति नहीं दिख रही है लोगों को। भारत देश में पता क्या होता है, कोई एक आदमी चूतिया पा करता है, सब फॉलो करते हैं उसको। जर्मन शेफर्ड बैंक के लोड़े चारों तरफ वही भरे। भागते भागते चले फील्ड से। क्यों
लेट्स तो रन बैंक की लोड़ी और लेट्स तो रन बैंक चौदह भागो मोसड़ी बालो ज्ञान के चौदह कैसे हो है? आगे तो बकचोदी चलती भागते भागते हम तो अमेरिका में ही रहते हैं यार 24 घंटे अपने को यही करेक्टर पसंद है। तुम्हारा देश अमेरिका से ही चल रहा है पता है तुमको, जो NRI फंडिंग करते हैं ना तुम्हारे नेताओं को उससे देश चलता है समझ रहे हो। सारी देशभक्ति निकल जाएगी सच्चाई समझ में आएगी तो भूल जाओगे भाई भावनाओं में बह जाते हो। चलो चलो भागते भागते ये अब GoPro की डंडी ढीली हो गई है ये भी टूटता है भाई कुछ टाइम बाद इसकी डंडी भी टूटती है। अच्छा खासा इस्तेमाल हो गया इसका भी। ये देखो डॉगी हेलो। ये यार मेरे पास भी थी ऐसी नाजिया पता नहीं कहाँ। चलो बाय 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 बाय। दुनिया की ऐसी होती है ना गांड जल्दी जल्दी होती है तो इसलिए ज़्यादा अगर तुम कहते हो मतलब रखने रखो आओ दुनिया की ऐसी होती है। मैं क्या करता पहले बंदा कह रहा है आओ कैमरे में आओ उसके बाद हम कट लिए वहाँ से इसलिए हम किसी को भाव नहीं देते हैं। आपको बताइए अपना काम क्या है अपना खाना अपनी मियाँ उसको खिलाना बाकी दुनिया की मैकी मुर्गी फटाफट चलते हैं और रास्ता बदल बदल चलना हो सके नहीं तो लोग पीछा करने लग जाते हैं इसलिए मैं यहाँ से शॉर्टकट मारूँगा भागते भागते। यहाँ से ओके नीचे को भागते भागते चलते हैं बराबर। पता नहीं यार मेरी तो आवाज़ अच्छे से निकल नहीं रही है ठंडा इतना हो रहा है लोग कैसे चिल्ला दे रहे हैं। जंगल में कांड हो गया आओ आ गया भेड़िया भेड़िया आ गया यहाँ का पिंक पैंथर भेड़िया नहीं पिंक पैंथर गांड मारने के लिए आ गया। ओह सॉरी सॉरी अरे यहाँ तो ओ सूखी नहीं जंगल में कांड हो गया आओ खाली टाइम पर हम यही करते हैं यार BGM वाला BGM नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक उसको गुनगुनाते हैं BDS नहीं BGM कहा मैंने खाली टाइम पर कर वो भी करते हैं खाली टाइम पर नहीं उसके लिए तो टाइम फिक्स है 3:30-4:30 AM एंड PM फेमिनिस्ट बिचेस DM फॉर बैंकिंग सेशंस ऑन इंस्टाग्राम लेट्स मूव जंगल में कांड हो गया आओ सबको जगा दिया ओ भाई ठीक है अभी गिर गया था भाई अभी कांड हो गया था 30,000 के लोड़े लग जाते हैं। ओहो ये क्या हो रहा है अच्छा ओह ठीक ओहो
गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, मेन रोड में आ गया मैं, भागे यहाँ पे भी थोड़ा सा और भागते हैं, थोड़ी देर में फिर पहुँच ही जाएंगे। जंगल में कांड हो गया, आओ। सही है यार, जलने वाले चाहे गांड जल के मरेंगे। भागो भागो, एक होता है ना जागते रहो, हमें सोते रहो, हम चाहते हैं कि भोग करो सो जाओ, और फिर जब तुम्हारे अंदर हवस जागृत होगी तभी तो हमारी वीडियो देखोगे, नहीं तो थोड़ी देखोगे, महात्मा बन जाओ तो फिर कैसे देखो। महात्मा बन जाओगे तो फिर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगेंगी, सुधर जाओगे ना भाई, इसलिए हम तो चाहते ही नहीं तुम बिगड़े रहो, दारू पियो, चिकन खाओ, थाईलैंड जाओ, समझ रहे हो। क्योंकि उपाय तो यही है, कितने मिनट हो गए यार, 11 मिनट में वहां से इतना भाग लिया, जंगल से भी होता है, और लेकिन यार ये कम है। ले जाओ यार ये भोसड़ी का, काट दूंगा इसको मैं, गांडू भोसड़ी के चले जाए यहाँ से, माधव भोसड़ी के तेरी में। ये मादर चौथ कुत्ते मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए डॉग लवर्स तुम्हारे कुत्तों की मादर चौथ कर दूंगा, इतने कुत्ते भर गए ना भोसड़ी के, मैं साले को अगर बेटा कुछ कहो, वायलेंस वायलेंस, मैं रियल लाइफ एनिमल हूँ, अगर रात हो रही होती ना साले को मैंने गला काट दिया था, मैं सही बता रहा भाई, ये कुत्ते फुत्ते पसंद नहीं मेरे को, बिल्लियों से कोई समस्या नहीं, कुत्ते पसंद नहीं है भाई भोसड़ी के, रात हो रही होती ना रेत देता साले को मैं, वो अलग बात है उसको वीडियो में डालते, एनिमल मूवी देख रहे हो ना भोसड़ी वालों, उनको पता नहीं है कि एनिमल क्या होता है, तुम्हें वो रियल लाइफ में वायलेंस पसंद नहीं आता लेकिन मूवी में पसंद आता है ना, रियल लाइफ में तुम्हें बुद्धा की ये बोलती है क्यों, अभी आगे भी आएंगे यार साउथ आर, ये भोसड़ी का एक आगे भी आएगा, अब यार पूरे चौथरपा कुत्तों से तो लड़ते हैं, देख उस बच्चे को काटने के लिए जा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ भाई, 5 बज रहे होते सुबह, अंधेरा होता ना कोई नहीं होता, कुत्ते को वो फिनिश करके साइड कर देता, सला यहाँ को आ रहे हैं, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति, अब चौथरपा यार, अब हर बार कुत्तों से बिल्ली कुत्तों से लड़ते तो नहीं रहेंगे, कहा जाता है भाई ऐसा, ये साली मानव की मनुष्य की बनी बनाई प्रजाति है, ऐसा कुछ था ही नहीं कभी, ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, भजन गुनगुनाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं भाई, क्योंकि मन जो है मन तो खैर क्या है, मन कुछ भी नहीं है, क्या भजन गुनगुनाए आज, आज कौन सा वार है, शनिवार है, ओम शनिश्चराय नमः, ये भी करना पड़ता है यार, सब कुछ करना पड़ता है दुनिया में, साला लड़ना भी पड़ता है, मार पिटाई भी करनी पड़ती है, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं जब सब पाप कर ले, एक भोसड़ी का सामने से फिर देख रहा है, एक भेड़िया जैसा ही कुत्ता है ये, अब इसलिए कह रही थी, फिर उसके बाद भजन गुनगुना के अपने मन को मनाना पड़ता है बस भाई, सही बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर एनआरकी होती ना
मैंने कई पेल लिए थे कुत्ते, हाँ कुत्ते, नहीं तो सारे आज ही तुम लोग केस कर दोगे। कुत्तों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो एनार्की क्रिकेट क्रिएट होने वाली है कुछ समय बाद, ये हम चाहते नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद एनार्की आने वाली है। जोकर मूवी देखी है, वही आर्थर है तुम्हारे सामने, देखना भाई परेशान हो जाओगे तुम पूरे सिस्टम से इस तरह उधर सबसे, और फिर उसके बाद क्या होगा, घुमा फिरा के वही जैसा जोकर मूवी में सीन हुआ है वही सीन होगा। अब हम मेन मार्केट की तरफ प्रवेश करने वाले हैं, चमन चूतिया पा चरम पर होगा वहाँ पर, क्योंकि खावे की दुनिया। चलो भाई फटाफट आगे की तरफ को चलते हैं यहाँ से। लेकिन यार मेन मार्केट से तो हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे ऊपर से या नीचे से, फिर आ गया यार दिमाग खराब इसलिए मेरा हो रहा है, चारों तरफ से कुत्ते कुत्ते पीछे भर रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि, और धूप भी अपोजिट आ रही है यहाँ पर, ये देखो क्योंकि ऐसे हम जाने वाले हैं, और यहाँ से भी एक रास्ता तो है, अभी पता नहीं कहाँ को जाएगा, और अभी कितने 7:30-8 बज रहे होंगे यार अभी। हाँ हो तो इसको यहीं पे हम करते हैं पैक, 16 मिनट बकचोदी बहुत है, क्यों फटाफट लेट्स मूव। पैक करने का मन तो हो नहीं रहा, लेकिन करना पड़ेगा, इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा, अब जिसे कहते हैं टॉपिक को ही बदल देना पड़ेगा, अगर टॉपिक को बदला जाएगा तो माहौल उस तरह से सेट होगा, अभी मैं वॉर जोन से आ रहा हूँ, एक तरह से मैं जंगल से ही आ रहा हूँ ना, तो अभी अपना करेक्टर रियल ही एनिमल ही है भाई, मजाक समझो तुम कुछ समझो। वो भेड़िया मूवी देखी है, चाहे वो हो चाहे एनिमल हो, एनिमल तो नहीं देखी मैंने, लेकिन अपना करेक्टर वैसा ही है, फ्री फ्री गाड़ी में लिखाते हो ना तुम, वी स्टे वाइल्ड एंड फ्री, कभी बन नहीं पाओगे वैसा। माता पिता ने तुमको जकड़ा हुआ है, तुम्हारे मित्रों ने तुमको जकड़ा हुआ है, दिमाग में पुश्ती है तुम्हारी, रियल लाइफ में तुमको मिलती नहीं है, समझ रहे हो, जो चीज़ जहाँ रखनी है उसको वहाँ रखो, तब तब बन पाओगे एनिमल। ओहो चलते हैं भाई सुपर बातम, अब थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप अगर आप करेंगे तो उसके बाद अब समझ में आएगा कि देश में क्या चल रहा है, और लोगों से यहाँ कनेक्ट करने का एक ही तरीका है भारत में, आपको पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी, लेकिन सुबह सुबह मेरा कोई किसी से कोई कनेक्ट वनेक्ट करने का, क्यों चलते हैं इनके। लेकिन क्या है कि कभी कभी मज़ेदार करेक्टर दिख जाते हैं एक दो, तब लगता भी है कुछ कुछ पता नहीं, जिनके अंदर है बहुत भरा हुआ उनको लगता है कि भाई और बाहर निकालना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब मैं पहचान जाता हूँ, लेकिन भाई मज़ा तो वही सुबह ही आया, और रात को दिन में जब गर्मी बढ़ जाती है तो ठंडों का मज़ा बंद हो जाता है। चलते फटाफट आगे की तरफ को, और इसको हम पैक अभी नहीं करेंगे यार, कंटेंट एंड ही नहीं होता है, कंटेंट तो है। अब मैं सोच रहा हूँ एक सुबह सुबह कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा उठाते हैं अभी, क्योंकि इलेक्शन भी आ ही रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, जीत कौन रहा है, जी भी जीत कन्फर्म, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ना बताया जाए पूछा जाए, जैसे यहाँ पर जो आबादी है ना, देख रहा हूँ कि कई बाहर से कई लोग आए,
अब हम भी बाहर ही लग रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो रियल है जो वास्तविक तौर पर कई बाहर से लोग आके फंस गए हैं यहाँ पे, और उन बाहर के लोगों के लिए लोगों ने आके ये बना दिए, क्या कहते हैं, घर रहने के लिए वो आवास बना दिए भाई सरकारों ने। मतलब एक होता है ना चूतिया मूर्खता, सॉरी अब तो हम पब्लिक में आ गए, सब शब्दों का उपयोग नहीं करते, एक होता है महामूर्खता, वही महामूर्खता आपने हमारे कैमरे में भी देखी होंगे कई, और लोग कह रहे हैं कि हम काम के लिए आए हैं, लेबरी करने के लिए आए हैं भाई। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा तो लेबर पॉपुलेशन लग रही है यार, पहाड़ी तो कम दिख रही है, बड़ी ही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ना बोल के कोई और बोले ये सब, मैं तो यार मेरा क्या है, मैं तो 5 घंटे बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं ना चाह के कोई और बोले, ताकि क्या है कि समझ में आए लोगों को और उनके अंदर की बातें भी निकले बाहर, इसीलिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। और यही टाइम है मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं देखता हूँ कि भाई वो ये होता है ना, वो भगवा धारी एक तो दिख रहे हैं, वो बोले यार बात को, लड़े लोगों के लिए, ये तो पहाड़ी सोते ही रहेंगे यार, पहाड़ी होने का मतलब ये है क्या, क्या कर रहे हो, दारू पी है रोज, तो गाने में भी वही चल रहा है, मैं पहाड़न मेरा टूका पहाड़ी, ये वो वाला नकला, ये है क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पहाड़ तो काटे जा रहे हैं, पहाड़ तो बचेंगे ही नहीं, तुम क्या करोगे फिर, तो पहाड़ी रहे ही नहीं, तो उसके लिए तुम्हें लड़ मरना चाहिए, अपनी नौकरी कॉलेज वॉलेज सब छोड़ के, देखो यार क्या हो रहा बाहर, लेकिन क्या अलग अलग चूतिया में लगे पड़े हैं लोग, हम भी वही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम एक दो 10 स्टेप अहेड हैं आपसे, कि हम कम से कम उस बारे में सोच के लोगों से मंथन तो कर रहे हैं। अब यार NRK तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी रुकवा देते, जो ये बेमतलब की बकचोदियाँ और ये जिहादीज घुस रहे हैं यहाँ पर, मैं चंपावत के बस स्टेशन में हूँ, कहने के लिए तो है ये सरकारी, लेकिन है एक तरह का सेमी प्राइवेट है, कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे है इजाज़त, कुछ कुछ लोगों को नहीं है, आइए ये बोल रहे हैं इनसे बात करें, मेरे होने से हो जाएगा क्या, कहाँ से आप, यही भी है गाइस, एक बात बताइए 2024 चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, देखो तो ऊपर वाला जीता है, जैसे ऊपर वाला, नहीं नहीं आपके विचार, तभी तो हम पूछ, आप किसे जिता रहे हैं, आप किसे, हम तो पूछते, अगर हमें हम बताएं, उधर चलो उधर आइए आइए इधर आइए, यहां हो ना, इधर आओ इधर आओ, हेलो, अरे चुनाव हम हां, ये क्या नाम हुआ आपका, मेरा नाम मुस्तकीम है, मुस्तकीम मुस्तकीम, कहां से आप, बरेली से, तो कुछ, अरे आप तो बड़ी भाई की, वहाँ यूपी में कौन जीत रहा है, नहीं 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 चलते हैं, रुकीला चलते हैं, आपका क्या नाम हुआ, आपका क्या नाम हुआ, मेरा जमालुद्दीन नाम हुआ, आप बोलिए तो कुछ बोल ही रहे हैं, क्या लग रहा है यूपी में कौन जीत रहा है, तो पता नहीं, सो एज आई सेड पीपल आर इन्फिल्ट्रेटिंग, आई मैंने पूछा कि भैया कहाँ से हो, कह रहे हम यहाँ से हैं, समझ रहे हो पॉपुलेशन, दे आर एंटी मोदी, एंटी मोदी तो ये लोग हैं ही, और बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भाई बेटा अभी तो मोदी योगी चल रहा है ना, रामिल को आने दो, गांठ फाड़ के रख दूंगा भाई, कोई मुस्तक फुस्तक नहीं देखेगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे भर गए हैं बिल्कुल पूरे चंपावत में, कहाँ से आ रहे हैं, बरेली बरेली से आ रहे हैं, बहुत क्यों गांठ बनाने के लिए आ रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, तुमने एनिमल एनिमल मूवी देखी ना, जो तुमने अभी रियल लाइफ में देखी आने वाली, बस 2024 में तुम प्रवेश कर चुके हो, 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन में हेड ऑफ द टेबल जो है वो आ जाएगा, वो क्या है, उसके लिए 4-5 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, और फिर असली बकचोदी फिर होगी, रामी लहरा में तुम प्रवेश करने वाले हो, तुम चाहे दिल से मानो ना मानो, तुम्हें दिखेगा ये सब, और बेटा फिर जो करूँगा ना मैं, समझ जाओ, जो लोग तो जानते हैं हमको, उनको पता ही है, बोला ही नहीं क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था भाई एंटी मोदी है, यार
चारों तरफ वही की बकचोदी चल रही है। क्यों तो अभी अपने पास दो रास्ते, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नीचे से होते हुए जाते हैं। ये भैया से पूछा है वो बिजी भी होंगे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भैया हम तो एक तरफा ही करेंगे भाई। भले ही मैं अगर मेरा पर्सनली वोट, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, पर्सनली अगर मेरा वोट अगर नोटा में भी दबेगा, समझ लो पर्सनली मेरा वोट जो है अगर नोटा में भी दबेगा, लेकिन मैं यहाँ ओपनली वो कर दूंगा, एनिमल वाला ही कर दूंगा सीन। और क्या कर सकते हो बताओ, तुम कर क्या सकते हो, टेल मी दिस। देखा मार्केट में इतनी गहरी पॉलिटिक्स है, अब अपने को वाइब तुम मानो ना मानो अपने को जो है वो वाइब आ जाती है भाई समझ में, क्या कहाँ वाइब चल रही है। वाइब मतलब क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, मतलब एक तरह से समझ लो कि क्या कह सकते हैं यार हिंदी का क्या शब्द है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, सारा दिमाग तो मैं बढ़ाऊँगा नहीं, तो समझ में आता अपने को, इसलिए भागेंगे ये सारे भाई जो आ रहे हैं। नहीं तुम अपने रामिल जोशी के शिकार के लिए तो आ रहे हो यहाँ पे, छोड़ो अब उनको, अब हम अब क्या कहते हैं एंटर कर रहे हैं नीचे वापस, तो मैं फटाफट जाऊँगा। ओम ओम ओम, अभी लड़ने का मूड नहीं हो रहा है, लेकिन साला मार खाएगा तो मारना भी पड़ेगा। मुझे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो भाई, चले जाओ अपने घर, थोड़ा घर से आगे आओगे तो मार पड़ेगी तुमको, वापिस चले जाओ बेटा। बेटा वापिस चले जाओ, थोड़ा सा घर से आगे आ जाओगे तो मार पड़ेगी। ये कुत्ता किसका है यार, लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का। अच्छा ऐसे ऐसे मतलब यार, अरे जैसे कहते हैं ना मार्केट का जो सीन है, आपने देखा अभी मैं वहीं से आया, मैं वापस यहीं से आ गया हूँ, देखो अगेन। अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक उतर के सीधा जंगल के रास्ते ही जा सकते हैं वैसे तो यार। पीपल्स एस हैव बर्नड अ लॉट यार, थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आई होप नहीं आती। युवाओं की आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, जलती है बहन की जो, उनको लगता है कि भाई ये आगे निकल जाएगा, ये निकल जाएगी लड़कियों की लड़कों की, लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं, क्या करेंगे। कुत्ता कुत्ते को पसंद करता है, यहाँ वही सीन है भाई, कुत्ता भेड़ियों को भी पसंद नहीं करता, कुत्ता कुत्ते को ही पसंद करता है। अभी मैं कुत्ते को पेलने वाला था ना, तो लोग कुत्ते के सपोर्ट में आ गए भाई, इसलिए हम कोई तुम्हारे समाज का भला करने तो आए नहीं, समाज को डिस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, डिस्ट्रक्शन। ये सब तो लीला है भाई, पिंक पैंथर, डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, डिस्ट्रक्शन की आवश्यकता है इंडिया को। एक बात याद रख ली ना, इंडियन सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी में गंद भर चुकी है, और जब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा तब जाकर असली खेल शुरू होगा। बहुत डिस्ट्रक्शन होगा भाई, ये सब तो करैक्टर है। अब एंड में थोड़ा, जिनको पता नहीं है कि चैनल में यहाँ क्या चलता है, जो कंफ्यूज रहेंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी, लाइक करके कट लिए होंगे, उनको लगा होगा अरे तो हंसने गाने वाला ये सब है भाई, यहाँ पर क्या सीन चलता है। यहाँ पर एक आपको स्टोरी टेलिंग हो रही है, और बड़े ही अलग तरीके से हो रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है। एंड वी आर फाइनली मूविंग टुवर्ड्स हेड ऑफ द टेबल एरा, ओके लेट्स मूव।